जय श्री कृष्णा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो वर्क है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डॉट डी एस क्या होता है। अब हम जैसे कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालेंगे, फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे आज, टेंशन फोर्स कितना वर्क करता है, नॉर्मल कितना करता है, फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, माने वर्क के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, वर्क को तार तार कर देंगे, हर चीज वर्क के बारे में सीखेंगे। तो एक छोटा सा सवाल के थ्रू देखो, कोटा का यही है कि भी कोटा के अंदर चीजें सवालों के थ्रू सिखाई गई। कोटा की जो टीचिंग स्टाइल है उसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सिखाते हैं चीजों को। तो जैसे वर्क की एक डेफिनेशन है, अब मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको करा करा के उस वर्क की डेफिनेशन की फील दिलाऊंगा। तो जैसे एक ये क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं, सपोज करिए कि ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और इधर मैंने 12 N का फोर्स लगाया है। 12 N का फोर्स लगा के मैं इसको डिस्प्लेस करना हूं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही आ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक बाय द 4 kg ब्लॉक, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक बाय द 4 kg ब्लॉक, ठीक है। तो 2 kg के ब्लॉक पे जो 4 kg वाला ब्लॉक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, भाई ये मैं इसको धक्का दूंगा तो 4 kg वाला 2 वाले को धक्का देगा, तो 4 kg का जो ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है उसका वर्क आपको बताना है, ठीक है। पॉज लेंगे आप 2 मिनट का, और हाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट मैं बता दूं, सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, 5 मीटर ये सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये अलग से बता रखा है। मैंने फोर्स लगाया तो जब ये सिस्टम 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो उस दौरान 4 kg वाले ब्लॉक ने 2 kg वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगाया था, 4 ने 2 पे नॉर्मल लगाया होगा, तो उस नॉर्मल ने कितना वर्क किया ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहला काम तो इसके अंदर हम क्या करें कि भाई हमें ये तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है, पहला काम ये करें कि 4 वाले ने 2 kg वाले पे कितना फोर्स लगाया ये पता लगाए। तो सबसे पहले मैं इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलेरेशन निकाल लेता हूं। नेट फोर्स 12 kg है, सिस्टम का मास 6 है, तो इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2 m/s². अब ये 2 kg का जो ब्लॉक है मैं इसका एफबीडी बना दूं, तो 2 kg के ब्लॉक का मैं एफबीडी अगर बनाऊंगा तो इसमें मान लिया एन लग रहा है, एक जमीन लगा रही होगी 20 N, एक ग्राउंड इसके ऊपर मान लिया एनजी लगा रहा है, लेकिन हमें इस जमीन के फोर्स या एनजी से मतलब नहीं है, हमें तो जो 4 kg ने 2 kg पे फोर्स लगाया था उसी से मतलब है। तो 4 kg ने 2 kg पे जो फोर्स लगाया था वह एन के बराबर था, तो एन बराबर होगा इसका मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन 2 आ जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स जो आएगा वो 4 N आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 4 N के बराबर आ जाएगी। तो अब ये जो 2 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर 4 N का फोर्स लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, फोर्स 4 N का लग रहा है। तो अब अगर हम इसके ऊपर देखें तो अच्छा, फोर्स इसके ऊपर लग किधर है, इधर ही लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो fs cos थीटा में थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो जो वर्क डन आएगा नॉर्मल फोर्स का वो आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू 4 × डिस्प्लेसमेंट है 5, तो ये 20 J आ जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक पे, ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल में जो वर्क किया इसके ऊपर ये 20 J के बराबर किया, ठीक, नोट कर लीजिए इसे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि ये 2 kg के ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स ने वर्क किया है वो जो नॉर्मल 2 kg पे लग रहा था वो इधर लग रहा था, लेकिन वही अगर 4 kg पे देखें तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा। तो उसी नॉर्मल का 4 kg पे वर्क अगर आप देखेंगे तो 4 kg ब्लॉक पे वर्क कैसे आएगा, सेम इस पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर होगा, तो 4 kg वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल का वर्क आएगा वो -20 J आएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, इसने इस पर फोर्स इधर लगाया तो ये वाला इस पर इधर लगा देगा, तो फोर्स इस पर इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल का वर्क आएगा वो -20 J आएगा, और ओवरऑल पूरे सिस्टम पे अगर हम इंटरनल नॉर्मल का वर्क देखें तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। और ऐसा बाई चांस नहीं हो रहा है कि इंटरनल नॉर्मल का वर्क यहां पे 0 आ रहा है,
इंटरनल नॉर्मल का जो टोटल वर्क आता है वो हमेशा ही जीरो आता है। हर कंडीशन में इंटरनल नॉर्मल का जो टोटल वर्क आएगा वो हमेशा जीरो आता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो सवालों में आपके काम आएगी, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, नेट वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल फोर्सेस इज जीरो। नेट वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल फोर्सेस इज जीरो प्रोवाइडेड द मासेस इन द सिस्टम आर रिजिड। हाँ, स्प्रिंग ना लगी हो, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर नॉर्मल का वर्क आ जाता है। सिस्टम का जो टोटल इंटरनल नॉर्मल का वर्क जो आएगा वो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन बस ध्यान रहे कि वह सिस्टम के जो मासेस हैं वो रिजिड होने चाहिए, ऐसे स्प्रिंग जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग के अंदर नॉर्मल फोर्सेस का वर्क आ जाए, स्प्रिंग को दबाओगे तो नॉर्मल लगेगा तो उसका वर्क आ जाता है, माइनस आपके एक्स स्क्वायर या जो भी आता है वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनल नॉर्मल फोर्सेस का जो टोटल वर्क आता है वो जीरो के बराबर होता है, और जो सिस्टम के मासेस हैं अगर वो रिजिड हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं आपको सवाल दे रहा हूं, छोटा सा सवाल है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो उस सवाल में आपको दे रहा हूं। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन जीरो है और यहां भी जीरो है, ये स्मॉल एम मास है, ये कैपिटल एम मास है, ठीक है। फ्रिक्शन यहां भी जीरो है, सारे सर्फेसेस स्मूथ हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये वाला मास नीचे गिरना चालू करेगा, ये वाला मास पीछे की तरफ जाना चालू करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, ये वाला पीछे की तरफ जाएगा। अब मैं आपसे वर्क डन की वैल्यू वगैरह नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ वर्क डन का साइन पता लगाना चाहता हूं, जो चिन्ह है उसका वो कैसा होगा ये पता लगाना चाह रहा हूं मैं। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द साइन ऑफ वर्क बाई नॉर्मल ऑन कैपिटल एम। कैपिटल एम जो ब्लॉक है इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स का वर्क आ रहा है उसका साइन कैसा होगा, उसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा, ये आपको पता लगाना है। पॉज लेंगे 2 मिनट का, फिर आरएसआर का सोल्यूशन देखेंगे, 2 मिनट का पॉज लेंगे, मैं आपको लेकिन बताने जा रहा हूं इसका सोल्यूशन, देखिए ध्यान से, बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको सवाल वाल नहीं कर रहा हूं, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं कि वर्क को थोड़ा आप और अच्छे से बढ़िया से फील करें। तो ये कह रहे हैं कि कैपिटल एम जो ब्लॉक है इसके ऊपर जो भी नॉर्मल लग रहा है उसका वर्क कितना होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि कैपिटल एम का एफबीडी बना लेता हूं, कैपिटल एम का अगर एफबीडी बनाऊंगा तो एक नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है एन, एक इसके ऊपर ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा होगा जिसको हम एन जी बोल देते हैं, ये इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे नॉर्मल के, उसके अलावा ग्रेविटी भी लग रहा होगा, हाँ वो तो लग ही रहा होगा, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो इधर हो रहा होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं एस बोल देता हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, ग्राउंड तो नॉर्मल ऐसे वर्टिकल लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो ये ग्राउंड का जो नॉर्मल है इसका तो कोई वर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और ग्राउंड नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, ग्राउंड नॉर्मल का कोई वर्क नहीं आने वाला। अब एक नॉर्मल इसके ऊपर लग रहा है ये वाला, अब ध्यान से देखें तो नॉर्मल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, क्योंकि ब्लॉक तो इधर जा रहा है ना, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 से छोटा है, तो एंगल 90 से छोटा है तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा अगर 90 से छोटा है तो वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल का वर्क डन आएगा ना बड़े वाले ब्लॉक पे, जो नॉर्मल का वर्क डन आएगा इसी के नीचे मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर इज पॉजिटिव। कारण देखें, इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा अगर एंगल है तो वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द साइन ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, पॉजिटिव आ गया। एक इसी में और सवाल बनता है कि स्मॉल एम मास पे नॉर्मल फोर्स का वर्क कितना होगा,
तो अगर आप स्मॉल एम मास पे नॉर्मल का वर्क निकालना चाहते हो तो वैसे तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है सोचो भाई। देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है कि इस पूरे सिस्टम पर नॉर्मल का जो नेट वर्क आना है वो तो जीरो आना है ना, ये तो नियम बन गया था कि पूरे सिस्टम पे नॉर्मल का वर्क जीरो आना है। तो इस वाले पर जो नॉर्मल का वर्क आएगा अगर पॉजिटिव आया तो इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल का वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेट जीरो है। इसके ऊपर नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल का वर्क आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं स्मॉल एम मास पे देखूं तो नॉर्मल का वर्क नेगेटिव आएगा, कैपिटल एम पे देखूं तो नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव आएगा, और पूरे सिस्टम पे देखूं तो नॉर्मल का वर्क जीरो आएगा। ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे सिस्टम पे नॉर्मल का जो वर्क आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द साइन ऑफ वर्क डन। तो कैपिटल एम पे पॉजिटिव आ गया, स्मॉल एम, अच्छा स्मॉल एम पे नेगेटिव कैसे आएगा इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना हूं आपको। स्मॉल एम पे अगर आप देखें तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इसके, एक इधर हो रहा है एस डैश मान रहा हूं और एक इधर हो रहा है एस भाई, ये ऐसे भी आ रहा होगा और इसके साथ साथ ऐसे भी जा रहा होगा। तो एस डैश और एन के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो इस वाले एस डैश के कारण तो कोई वर्क होगा नहीं, तो जो भी वर्क होगा वो बस इसी एस के कारण होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर है इसका और एन इधर, इनके बीच एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा एंगल है तो वर्क डन जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एंगल 90 से बड़ा आ रहा है। तो जैसे नॉर्मल फोर्स का वर्क देखा, अब हम यहां पे जैसे टेंशन फोर्स का वर्क भी निकालने जा रहे हैं। तो टेंशन फोर्स का वर्क निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक है 3 किलो का, ये 2 किलो का ब्लॉक है और स्प्रिंग सॉरी रस्सी जो है वो हल्की है, पुली भी हल्की है और कहीं फ्रिक्शन नहीं, ये सब हम मानते हैं, हमेशा ही मानते हैं, वो सब मैं लिखा नहीं रहा हूं, ज्यादा लिखना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लें कि पुली लाइट है, स्प्रिंग लाइट है और इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ये है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स on the, find the work done by tension force on the 2 kg block as the system is displaced by, as the system is displaced by 5 meter, सिस्टम डिस्प्लेस 5 meter मतलब 5 meter ये ऊपर चला जाए, 5 meter ये नीचे चला जाए। ठीक है, मतलब इस सिस्टम को हमने रेस्ट से छोड़ा, अब रेस्ट से छोड़ा तो ये मूव करना चालू करेगा, कौन किधर जाएगा ये फैसला आपको करना है। तो आपको यही बताना है कि टेंशन फोर्स इस ब्लॉक पे कितना वर्क करेगा, ठीक है, जब हम इसको 5 meter डिस्प्लेस कर देते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम में मतलब ये वाला ब्लॉक भी 5 meter डिस्प्लेस हो गया, ये भी 5 meter डिस्प्लेस हो गया, तो टेंशन फोर्स कितना वर्क करेगा। ठीक है, टेंशन फोर्स का वर्क कितना जाएगा ये जो है बताना है। पॉज लेंगे आप 2 मिनट का, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखेंगे। अब इसको देखिए क्या करना है, कैसे करना है आपको, मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम में टेंशन निकाल लेता हूं कि टेंशन है कितना इसका, अगर मैं इसका टेंशन निकालूं। ठीक है, तो इसमें टेंशन का वैसे तो रूल आपको बता रखा है, सीधे उससे निकाल लें टेंशन कितना आता है, याद करो बताया था अभी कुछ दिन पहले एनएलएम पढ़ाया था जब, तो बताया था टेंशन जो आता है वो आता है ट्वाइस ऑफ द M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें जो टेंशन आएगा उसकी वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ द M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2, ट्वाइस ऑफ द M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। सॉल्व करेंगे हम इसे, तो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 × 2 = 12 और 10/24 आ जाएगा, 24 newton का फोर्स, टेंशन फोर्स आ जाएगा। अभी इस ब्लॉक पे देखो तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस ब्लॉक का ऊपर होगा कि नीचे, ऑब्वियसली भाई ये भारी ब्लॉक है ये नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऊपर की तरफ ही हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos 0 1 हो जाएगा। तो जो टेंशन फोर्स का वर्क आएगा यहां पर वो जाएगा 24
इंटू कितना गया था, ये 5 मीटर गया था, 24 × 5 तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स 24 के बराबर लग रहा है, ये हो जाएगा 120 जूल, 24 × 5 तो 5 × 4 = 20, 0 = 12 होता है, 120 जूल के बराबर आ जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन फोर्स का जो वर्क आएगा 120 जूल के बराबर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। अब अगला सवाल आपके दिमाग में खुद ही आ गया होगा कि इस पे अगर टेंशन फोर्स का वर्क 120 जूल आया तो इस वाले पे कितना आएगा, सोचो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, टेंशन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस वाले ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स का वर्क आएगा इस वाले ब्लॉक पर, 3 kg वाले ब्लॉक पर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वो कितना जाएगा, -120 जूल आ जाएगा। और इस पूरे सिस्टम पर टेंशन का वर्क कितना जाएगा, पूरे सिस्टम पर टेंशन का जो वर्क आएगा वो 0 जूल आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या ये बाई चांस हुआ है 0 आया है, हर बार 0 आएगा, हर बार ही 0 आएगा, ये हर बार ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी। क्यों हर बार 0 के बराबर आएगी, क्योंकि रस्सी जो है देखो हल्की है, रस्सी हल्की है तो रस्सी के अंदर आप काइनेटिक एनर्जी भर ही नहीं सकते, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, तो m0 है तो काइनेटिक एनर्जी भर नहीं सकते, हल्की है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आप नहीं भर सकते, तो रस्सी को आप एनर्जी दे ही नहीं सकते, रस्सी को अगर आप एनर्जी दे ही नहीं सकते तो ओवरऑल जो टेंशन फोर्स का जो वर्क आएगा वो यहां 0 के बराबर आएगा और हर बार आएगा। इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क हमेशा 0 होता है, स्प्रिंग नहीं होनी चाहिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि स्प्रिंग के टेंशन का वर्क आ जाता है, स्प्रिंग जो होती है उसमें टोटल जो वर्क आता है वो 0 नहीं आता है। अगर सिस्टम के मासेस जो है रस्सियां ही रस्सियां हैं, रस्सी हैं और ब्लॉक्स हैं, तो जो टेंशन इंटरनल टेंशन का जो वर्क आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, ये सब सवाल नहीं, मैं थ्योरी सिखा रहा हूं आपको, थ्योरी क्या सिखा रहा हूं, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क 0 होता है, जो कि आगे सवालों में हमें काम आएगा, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन फोर्स, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स 0। भर नहीं पाओगे रस्सी में एनर्जी कभी, रस्सी इलास्टिक अगर होगी तब तो स्प्रिंग हो गई ना, तो उसमें एनर्जी तो भर नहीं सकते आप, कभी एनर्जी नहीं भर सकते, तो इंटरनल टेंशन रस्सी का जो इंटरनल टेंशन है उसका टोटल वर्क हमेशा 0 आता है। 75 रस्सी लगा दो तब भी 0 आएगा। मैंने आपको जब न्यूटन्स लॉ सिखाया था कुछ दिन पहले तो उसके अंदर मैंने आपको एक वर्क मेथड बताया था कॉन्स्टेंट में, कि T1.V1+T2.V2+T3.V3+T4.V4 0 होता है, यहीं से आता है। कैसे यहां से आता है भाई, हमें यह पता है कि रस्सी का टोटल वर्क 0 होगा, तो पहला जो टेंशन का वर्क होगा वो T1.ds1 होगा, दूसरे का T2.ds2, तीसरे का T3, तो सबका टोटल वर्क 0 आ गया, टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ds1 जो है v1 हो जाएगा, तो T1.v1+T2.v2+T3.v3 ये जो है ये टोटल 0 आता है। यह मैंने आपको पहले ही बता चुका था, बताया था कि प्रूफ इसका आएगा रस्सी में, जब हम लोग स्ट्रिंग कंस्टेंट वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था T1.v1+T2.v2+T3.v3 0 के बराबर होता है, इसकी मदद से हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकाला था। तो वो कहां से आया था, वो यहीं से आया कि टेंशन फोर्स का टोटल वर्क 0 है, तो इसका मतलब T1.ts पूरे सिस्टम पर अगर हम देखेंगे तो T1.ds1+T2.ds2 = 0। अब डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ds1/dt वेलोसिटी हो जाएगी, तो T1.v1+T2.v2+T3.v3 ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो उससे हम अलग अलग पॉइंट्स के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इंटरनल टेंशन का जो टोटल वर्क आता है 0 आता है। क्या क्या हो चुका, इंटरनल नॉर्मल का टोटल वर्क 0 होगा, इंटरनल टेंशन का जो नेट वर्क आएगा, मतलब 75 रस्सियां हैं तो सबका वर्क जोड़ना पड़ेगा आपको, किसी एक का भी मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क 0 आता है, इंटरनल नॉर्मल का टोटल वर्क 0 आता है, कुछ और करके देखें क्या पता कुछ और 0 आ जाए, एक इसके अंदर सवाल और उठा के दे रहा हूं मैं आपको, ये ब्लॉक है 20 किलो का, 10 किलो का, ठीक है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सवाल मैंने आपको फ्रिक्शन में करवाया था और यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है 0.5, ठीक है, और मैं 30 न्यूटन के फोर्स से इस पूरे सिस्टम को खींच रहा हूं, इन दोनों के बीच म्यू 0.5 है, इन दोनों के बीच म्यू नहीं है, ठीक है, 30 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं मैं इसको, तो इसमें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड
वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 केजी ब्लॉक. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 केजी ब्लॉक एज सिस्टम मूव्स बाय 5 meter. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 केजी ब्लॉक एज सिस्टम मूव्स बाय 5 meter. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स 10 किलो के ब्लॉक पे कितना वर्क करेगा जब ये सिस्टम 5 meter मूव कर जाता है. पूरा का पूरा सिस्टम जो है जब 5 meter चल जाएगा तो उस दौरान जो फ्रिक्शन का वर्क होगा वो कितना आएगा. तो आप 2 मिनट का पॉज लेंगे, पॉज लेने के बाद फिर RS का सोल्यूशन आप देखेंगे. चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, स्टार्ट करता हूं. ये 30 newton का ब्लॉक है, सॉरी ये इसके ऊपर हम 30 newton का फोर्स लगा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ जा रहा है या अलग अलग जा रहा है. फ्रिक्शन में ये बड़ा संकट आता था 2 ब्लॉक में कि दोनों साथ जा रहे हैं कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं. तो पहले तो मैं अज्यूम कर लेता हूं दोनों साथ जा रहे हैं. साथ जा रहे हैं तो नेट फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा 30, ये बराबर जाएगा 30a. तो एक्सेलरेशन आ गया 1 meter per second square. अब अगर इनके बीच का जो फ्रिक्शन आएगा वो 50, यहां लिमिटिंग वैल्यू 50 न्यूटन आएगी. निकाल के देखोगे म्यू एन से तो यहां लिमिटिंग वैल्यू 50 न्यूटन आएगी. तो अगर इनके बीच का जो फ्रिक्शन आएगा वो 50 न्यूटन से कम है, इसका मतलब कि ये फिसल नहीं रहे हैं, यानी कि ये साथ जा रहे हैं. और अगर 50 से ज्यादा गया इसका मतलब ये फिसल रहे हैं. तो खैर 50 से कम ही आएगा, निकाल के देखते हैं. ये 10 केजी का जो ब्लॉक है इस पर 20 आगे लग रहा है और एफ पीछे लग रहा है. 20 आगे लग रहा है, एफ पीछे लग रहा है, तो नेट कितना आ गया 20 - F. ये बराबर होगा इसका मास इंटू इसका एक्सेलेशन. तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन. तो जो ये वाला ब्लॉक है ना, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा. एफ की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगी. ठीक है, अब जो एफ आएगा वो 10 न्यूटन के बराबर हो गया. अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है. तो अभी देखो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है, जहां आगे रहा है फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन का वर्क कितना जाएगा, फोर्स है 10 और डिस्प्लेसमेंट था 5 - 50 joule. तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क आएगा वो -50 joule आ जाएगा. आपके दिमाग में चमक चुका होगा कि भाई ऊपर वाले पे -50 आए तो नीचे वाले पे कितना आएगा. भाई अब यही जो फ्रिक्शन है वो नीचे वाले का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन अगर पीछे लग रहा है तो नीचे वाले पे आगे लग रहा होगा ना. तो नीचे वाले पे अगर आगे लग रहा होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ ही हो रहा है. तो इसका जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा. तो ऊपर वाले पर जो फ्रिक्शन का वर्क आया वो नेगेटिव आया था, नीचे वाले पे उतना ही आएगा 50 joule आएगा. और टोटल पूरे सिस्टम पे इंटरनल फ्रिक्शन का वर्क कितना हो जाएगा, 0. क्या ये बाई चांस हुआ है? नहीं. इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क आता है वो हमेशा 0 आता है. रटना है आपको ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूं ना, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये भी याद रखना है. इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क होता है वो 0 होता है. ठीक है, ये बात मैं लिख दे रहा हूं. नेटवर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन, नेटवर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन, नेटवर्क डन बाई इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0. इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क आता है वो 0 के बराबर आ जाता है. इंटरनल काइनेटिक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का नेटवर्क 0 है, इंटरनल टेंशन का नेटवर्क 0 है, इंटरनल नॉर्मल का नेटवर्क 0 है, तो इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का जो नेटवर्क आता है वो 0 नहीं आता है. तो इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जो आता है वो कितना आता है, इसका एक नियम होता है जो कि कई बार काम में भी आता है सवालों में, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. भाई ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही नेटवर्क इंटरनल फोर्सेस का नेटवर्क हमेशा 0 होगा. इंटरनल नॉर्मल का नेटवर्क 0 हो गया, इंटरनल स्टैटिक का हो गया, इंटरनल टेंशन का, अब सभी का थोड़ी यार नेटवर्क 0 कर दोगे, तो पढ़ क्यों रहे चैप्टर हम लोग. तो इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का नेटवर्क 0 नहीं आता है. और वो जो आता है वो कैसे आता है, कितना आता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं. सपोज करें कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ, और इसके ऊपर एक और छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है. और
इन दोनों के बीच में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब जमीन जो है वो स्मूथ है, लेकिन इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी म्यू दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, मान लिया ये वाला ब्लॉक जो है ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, ये वाला वी बी से चल रहा है। वी ए थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये ब्लॉक थोड़ा तेज, दोनों चल रहे हैं, चल दोनों रहे हैं, ये वाला ब्लॉक थोड़ा तेज चल रहा है, ये वाला थोड़ा धीरे चल रहा है। तो जो तेज चल रहा है वो चलते चलते आगे पहुंच जाएगा, और बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएगा तो गिर भी जाएगा। तो खैर कुछ समय के बाद कंडीशन ऐसी हो जाएगी, कुछ समय के बाद ये कंडीशन, चूंकि ये तेज जा रहा था ना तो थोड़ा जल्दी चलेगा, तो जल्दी चलते चलते जाके गिर जाएगा। तो जब गिरने ही वाला होगा उस समय तक मैं मान लेता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है छोटे वाले ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स ए है, और नीचे वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स बी है। नीचे वाले का मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स बी मान लिया, ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्स ए मान लिया, ठीक। अब जो तेज चल रहा है, भाई फ्रिक्शन का काम क्या होता है, अपोज करना। तो जो तेज चल रहा है ये जो ऊपर वाला है, इसके ऊपर फ्रिक्शन मान लेते हैं पीछे की तरफ लग रहा है, एफ के लगेगा, मान ले एफ के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऊपर वाला ब्लॉक तेज चल रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ऊपर वाले पे पीछे की तरफ लगेगा, तो नीचे वाले पे आगे की तरफ लगेगा। अब अगर मैं टोटल वर्क डन देखूं, टोटल वर्क डन, तो जो टोटल वर्क डन आएगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ के इंटू एक्स ए। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन का वर्क कितना आ जाएगा, नीचे वाले पे कितना आ जाएगा, एफ के इंटू एक्स बी। नीचे वाले पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो एक्स बी के बराबर है, तो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ के इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी। सॉल्व किया मैंने भाई, माइनस एफ के कॉमन ले लिया, ये एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा, और इसी एक्स ए माइनस एक्स बी को मैं लिख सकता हूं एक्स रिलेटिव। एक्स रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट, और एक्स रिलेटिव हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो तेज चलेगा उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जो धीरे चलेगा उस पर आगे लगेगा, और जो तेज चलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा होगा। तो एक्स ए माइनस एक्स बी जो पॉजिटिव आएगा, तो जो इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क आ गया, ठीक है, इंटरनल काइनेटिक का, वो माइनस एफ के इंटू एक्स रिलेटिव आ गया, ठीक है। और इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा और जीरो नहीं आएगा। कुल मिला के देखो, जो नेगेटिव वाला, भाई दो 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 वर्क हो रहे हैं, मान लो दोनों को हमें जोड़ना है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा होगा ना, क्योंकि जिस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है वो तेज चल रहा है तो वो ज्यादा चलेगा, तो नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा आएगा, पॉजिटिव वाला कम आएगा, तो ओवरऑल इसका वर्क नेगेटिव आ जाएगा। जैसे इसको थोड़ा समझ भी सकते हैं आप कि इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी एक्ट करता है तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का नुकसान होता है। जैसे मान लेते हैं ठंड का मौसम जब होता है, तो जैसे आप लोग क्लास के अंदर आते हैं या ठंड के मौसम में घर पर बैठे थे, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करने की वजह क्या है कि इसमें आपका जब ऐसे आप घिसेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव वर्क होगा, और उस नेगेटिव वर्क की वजह से हीट पैदा होगी। जब भी एनर्जी का लॉस होता है तो हीट पैदा होती है ना, तो जैसे ऐसे आप घिसते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आप ऐसे करके अगर चलते चले गए, मान लीजिए ऐसे करके चलते चले गए, ठीक है, तब उसमें तो कोई वर्क नहीं होगा ना, जब घिसेंगे यानी जब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तभी तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क आता है, टोटल जो वर्क है, टोटल 10 15 20 50 जितने भी ब्लॉक हैं सब पे जो इंटरनल काइनेटिक का वर्क आता है वो माइनस एफ के इंटू एक्सेलरेटिव होता है, और इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क है वो हमेशा नेगेटिव आता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो इस तरह से रट लेते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव है, तो ये सरासर गलत है। देखो इस वाले ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है दिख रहा है, इस वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इस नीचे वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो इस पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। ये अगर आपने रट रखा है तो गलत रखा है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। टोटल इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। अलग अलग ब्लॉक पे तो किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव आ ही सकता है, लेकिन जो टोटल इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क है वो नेगेटिव आता है। तो इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, लिखता हूं टोटल वर्क डन बाय इंटरनल, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन, इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन
इज नेगेटिव, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है।